हेलो आर यूट्यूब फैमिली, सो वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। और इस व्लॉग में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए, जैसे कि हम लोग कार देखने गए थे वो मिलेगा, और गार्डनिंग एंड शॉपिंग, सो देयर इज़ लॉट मोर टू कम। और यहाँ देखिए जेडन कैसे प्यार दिखा रहा था बेबी को, बेबी को उसने गोद में बैठा के रखा था, हम लोग भी हैरान हो गए थे। और फिर एक दिन हम लोग निकल पड़े थे कार देखने के लिए, सो परवेज को बहुत मन है कि थोड़े टाइम बाद हम एक लें कार, सो हम लोग वही देखने के लिए गए थे महिंद्रा के शोरूम में और टाटा के शोरूम में। सो ये देखिए, ये महिंद्रा XUV 700 जो है उसके जो है अलग अलग मॉडल्स यहाँ पर खड़े थे। सो हम लोग वही चेक कर रहे थे कि क्या चल रहा है। नो एक्चुअली ये XUV 3X होती, सो ये जो है थोड़ा लोअर वेरिएंट है और इसका प्राइस भी काफ़ी कम है 700 से। सो ऐसा ही हम लोग चेक कर रहे थे कि क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे हैं, और कंपेयर कर रहे थे कि टाटा सफारी और हैरियर एंड XUV 700 में क्या क्या डिफरेंस है और किस में क्या अच्छा है। सो ये देखिए XUV 700 का ये एक टॉप वेरिएंट है, सो और इसमें ये जो आप बॉडी देख रहे हैं ये वो है स्क्रैच प्रूफ जो होती है, मैट पॉलिश वाली है। सो ये दिखने में बहुत शानदार लग रही थी, और ये सारे ऑटोमेटिक थे। सो इनका गियर बॉक्स जो है जिसमें ये पैडल होता है ऑटोमेटिक पार्किंग या रिवर्स में चेंज करने का, वो भी अभी एक बटन की तरह आ गया है। सो काफ़ी चेंजेस हुए हैं आजकल कार में। ये देखिए ये इंटीरियर है, और इसका तो सेम जो आज हम ओल्ड कार्स है वैसे ही था, बट टाटा सफारी और टाटा हैरियर वगैरह में तो काफ़ी अच्छा आ गया था। और ये एक्चुअली महिंद्रा XUV 700 का टॉप वेरिएंट नहीं है, तो इसमें भी वो हैंडल ही था, बट जो इसका टॉप वेरिएंट है अभी मैं वो आपको अंदर से दिखाऊंगी। सो उसमें एक बटन आपको मिलेगी जिससे आप रिवर्स पार्किंग या एक्सलरेट में कन्वर्ट कर सकते हो मोड जो है। सो ये देखिए ये है इंटीरियर, और स्क्रीन भी काफ़ी बड़ी थी, और ये देखिए सनरूफ भी है यहाँ पर। सो दिखने में तो सारी ही अच्छी लग रही थी। और ये देखिए अभी ये मैं आपको पीछे से भी दिखा रही हूँ, ये 7 सीटर है XUV 700 जो है, सो अच्छी खासी बड़ी है, बट इसमें जो है बूट स्पेस नहीं होता है। अगर 7 सीटर है तो आपको पीछे की 2 सीट्स मोड़नी होंगी अगर आपको बूट स्पेस चाहिए, सो वो चीज़ रह जाती है। एक ऑप्शन मिल जाता है कि ज़्यादा लोग बैठ जाए या आप सामान रख लो, ये ऑप्शन ही रह जाएगा आपके पास। आप 7 लोग बैठकर ढेर सारा सामान भी रख लें ऐसा नहीं हो पाएगा। और ये देखिए अभी हम जो है टेस्ट ड्राइव के लिए निकल पड़े थे महिंद्रा XUV 700 की, और बाहर जो है देखिए मौसम थोड़ा बादल वगैरह थे, बारिश का माहौल था। सो टेस्ट ड्राइव, और यहाँ पे ये रिवर्स पार्किंग सॉरी रिवर्स कैमरा जो है एक्टिवेट हो गया था। और देखिए ये, और काफ़ी सारे फीचर्स आजकल आ गए हैं कार्स में, सो अच्छा लग रहा था देखने में। तो सो ये हम लोग बानेर जो है वहाँ पर ये टेस्ट ड्राइव ले रहे थे, तो ऐसे ही मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया आपको पुणे की गलियाँ दिखाने के लिए। ये एक सर्विस रोड है और बगल में जो है हाईवे है। सो ये देखिए ये सनरूफ जो है ये ओपन कर दिया था फिर, और ऊपर से बादल कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और फिर मैंने जो है सनरूफ बंद कर दिया। सो सनरूफ का आई डोंट नो कितना यूज़ है इंडिया में, बट मुझे तो कोई यूज़ समझ में नहीं आता है, बिकॉज़ मुझे लगता है कि उससे बाहर निकलकर देखने में जो है और चलती गाड़ी में ये सब करना तो बहुत डेंजरस है, एंड इंडिया में मौसम भी इतना एक्सट्रीम होता है, गर्मी है तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बारिश है तो आप निकल ही नहीं सकते, और
सर्दियाँ तो कुछ जगह ठीक पड़ती है, कुछ जगह बहुत ज़्यादा, जैसे पुणे में तो सर्दियाँ उतनी पड़ती नहीं है। सो हमने, और ये देखिए ये हम अब टाटा के शोरूम में आ गए थे। सो यहाँ पे नेक्सॉन जो है वो बहुत ज़्यादा खड़ी हुई थी, और फिर हम लोग को एक्चुअली नेक्सॉन नहीं देखना था, हम लोगों को हैरियर और सफारी जो है देखना था। फिर हम लोग पीछे की तरफ आ गए थे जहाँ पे हमें हैरियर दिखाई दी और सफारी भी थी। ये देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, इसका कलर जो है ग्रेइश कलर का। ये हैरियर है, और अभी मैं आपको अंदर लेके चलूँगी। देखिए जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि इसमें ये बटन जैसा है होल्ड करने के लिए, फॉर मोड चेंज, रिवर्स या ये सब। तो ये देखिए ये हैरियर का अंदर से व्यू है। सो हैरियर जो है वो 5 सीटर है, और ये रही सफारी, ये परवेज को बहुत पसंद है, और एक कलर भी एकदम ढिनचैक वाला था, एकदम ब्लैक, सो इट वाज लुकिंग वेरी कूल। और ये इसमें ऑप्शन आपको मिल जाता है कि ये 7 सीटर है, तो आप कभी हो सकता है कि फैमिली में रिलेटिव्स भी आ जाएं तो आप उनको बैठा कर पुणे की सैर करवा सकते हैं, बट हाँ आउट ऑफ स्टेशन आप इतने सारे लोग नहीं जा पाएंगे, बिकॉज़ फिर आप सामान कहाँ रखेंगे। सो 5 लोगों के लिए ये अच्छी गाड़ी है, और फिर बूट स्पेस जो है पीछे की 2 सीट्स मोड़कर आपको मिल जाता है ठीक ठाक। और ये रही इसकी स्क्रीन, और आपको सामने जो है टाटा का शोरूम दिख रहा है, काफ़ी ग्रैंड बनाया है। और अभी ये जो है हम लोग टेस्ट ड्राइव के लिए जा रहे थे, सो हमने सफारी की जो है ये टेस्ट ड्राइव ली। ये देखिए ये आई डोंट नो ये कौन सा कलर है, गोल्डन टच, गोल्डन लग रहा है मुझे। हाँ गोल्डन कलर है, और ये भी मज़ेदार था, अच्छी थी टेस्ट ड्राइव, अच्छा लगा। सो लेट्स सी कब हो पाता है, अभी तो हमने बस ऐसे ही देख ली कार। आप ही हमें बताइए कि आपके पास कौन सी कार है और आपको ज़्यादा कौन सी कार पसंद है। सो ये देखिए इसमें ये एंगल्स कितने सारे हैं, कैमरा व्यू, 360 डिग्री व्यू जो है वो बहुत बढ़िया चीज़ है। सो आप कार कहाँ खड़ी है, कैसे खड़ी है, वो सब आप देख सकते हैं रोटेट करके, सब कुछ हर एंगल से आप अपनी गाड़ी चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये। और एडास जो आजकल आया हुआ है वो भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडास, सॉरी, सेफ्टी फीचर है। वो भी टॉप वेरिएंट्स में आपको मिल जाता है। वो एक्चुअली हाईवेज में ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज़ पुणे के अंदर तो इतना ट्रैफिक रहता है कि एडास एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा। ऐसा है हाल हमारा टेस्ट ड्राइव का। जी हाँ ये देखिए ये मैंने जो है 360 डिग्री व्यू चालू कर दिया था। अगर आप सामने जा रहे हैं तो भी आप पीछे का देख सकते हैं कि कैसा है ट्रैफिक और क्या है। और फिर ये ऐसे ही हम लोग कहीं हमारे घर के पास में ही हमें कॉल आया कि वो लोग कुछ जोड़ी फ्लैट बना रहे हैं। हम लोगों ने सोचा चलो देख कर आ जाते हैं, देखने का पैसा तो नहीं लगता है, और मुझे लगता है परवेज और मुझे बहुत तो मज़ा आता है ये सब देखने में। घर लेना हो या ना हो हम लोग देखने तो ज़रूर चले जाते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, टाइम पास भी हो जाता है और आइडिया भी मिल जाता है कि आजकल घर कैसे चल रहे हैं क्या है। और ये देखिए फिर एक वीकेंड था और मैं जो है डकटेल्स देख रही थी, मैंने सोचा मैं जेटन और आयरीन को दिखाऊं, जिस कार्टून को देखकर हम खुद बड़े हुए हैं वो आज हमारे बच्चे भी देख रहे हैं। बताइए टाइम कैसे बीत जाता है। मुझे याद है कि छुट्टी छुट्टी वाले दिन या फिर वीकडेज में भी स्कूल के बाद शाम को हम लोग ये देखा करते थे, सोनी में डिज्नी आ रहा था उसमें हमें डकटेल्स देखा करते थे और अलादीन भी देखते थे। बहुत बहुत अच्छी मेमोरीज हैं ये सब, और मैं कभी कभी डकटेल्स देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है। और यहाँ देखिए मैं चुपके से वीडियो बना रही थी जेडन आइरीन को पैंट पहनाने की कोशिश कर रहा था, और ये देखिए दोनों, मतलब मुझे इतनी हंसी आ रही थी इसलिए मैंने ये वीडियो शूट कर लिया कि वो बेचारी पैर डालने की कोशिश कर रही है और जेडन
उसको पैंट लटका के दिखा रहा है कि यहाँ पैर डाल, और जेडन की चप्पल तो देखिए, दोनों चप्पल उसकी अलग अलग है। मतलब इतनी भयानक हंसी आ रही थी इस टाइम पे, मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा है इनका काम, जेडन कभी कभी अपनी उम्र से बड़े काम करने की कोशिश करता है। फाइनली उसने हार मान ली, और ये देखिए थक चूर होकर जेडन कैसे सो गया सोफे पे ही। फिर हमने इसे बेड पे डाल दिया था, और यहाँ आइवीन भी मेरी गोद में थक कर सो गई थी। ये था एक दिन हमारी लाइफ का। और फिर सेकेंड डे था, और हम लोगों ने नाश्ते में खाया था आलू की सब्जी और डोसा। डोसा अंडे वाला खाया था, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए, फिर मुझे जो है गार्डनिंग का शौक चढ़ गया है लेटली। यहाँ पर जो है कुछ गमले मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे, ये काफ़ी सस्ते मुझे मिल गए। काफ़ी बड़े और अच्छी क्वालिटी के कलरफुल गमले, मुझे 8 गमले 400 समथिंग के मिले। अराउंड मुझे 58 रुपीज़ का एक गमला पड़ा, जो कि बाहर से तो काफ़ी सस्ता है। इतने बड़े गमले तो बाहर 80 रुपीज़ से कम के नहीं मिलते हैं, और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। ये देखिए, मैं ये कोकोपीट जो होता है ना वो, और मिट्टी और खाद का मिक्स जो है इन गमलों में डाल रही थी। यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे, ये ग्रीन वाला जो गमला मेरे बगल में दिख रहा है, वो मैंने आज लगाया पौधा, नीचे से लेकर आई थी। और फिर मैंने टमाटर, मिर्च और एक बेला होती है, मैं उसका नाम फिर भूल गई, उसका बीज मैंने लगाया है। ये बेला जो होती है ना, अपराजिता कहते हैं शायद उसे, तो वो जब उगती है तो वो काफ़ी बढ़ती है। मुझे वो इमेजिन करके ही बड़ी खुशी हो रही थी कि ऐसे बेला जब बढ़ेगी तो कितनी सुंदर लगेगी बालकनी। और ये देखिए, आइरीन जो है मेरा स्लिंग जो है लटका कर घूम रही थी। लड़कियों वाले शौक तो दिखाई दे रहे हैं आइरीन के अंदर अभी से। ये देखिए कैसे खुश होकर मेरा बैग टांग कर घूम रही है। और फिर जो है हम लोग हमारे घर के पास में ही ये इंट्यून है एक शॉप, वहाँ गए थे। वहाँ पे इतनी अच्छी अभी वैरायटी आई हुई है कपड़ों की, बच्चों के हो या बड़ों के, हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए यहाँ के कपड़े, और प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है। बच्चों के कपड़े तो 150 से शुरू हैं, और बड़ों के कपड़े भी 400 500 से लेकर 800 तक आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े यहाँ पर मिल जाएंगे। काफ़ी नए नए ट्रेंडी कपड़े थे, तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया एंटीन। आप भी जाकर चेक कर सकते हैं। ये देखिए, वहाँ पर फिर बच्चों को भी कलरफुल चीज़ें दिखती हैं तो वो लोग खूब खुश हो जाते हैं, आइरीन भी खुश थी। और यहाँ देखिए, ये स्टॉम्प योर फीट वाला एक्शन कर रही है, मैं गाना गा रही थी बैकग्राउंड में, और ये यहाँ ऐसे नाच रही थी बैठकर। कम 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 व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स, क्लैप योर हैंड्स, स्टम्प योर फीट, जंप जंप, स्टम्प योर फीट, स्टम्प, क्लैप योर हैंड्स, क्लैप क्लैप क्लैप, वेरी गुड, क्लैप क्लैप क्लैप, अली इधर आके नाचो, व्रूम व्रूम व्रूम। पापा फिर से बोलो,
पापा। अरे वाह, आइरिन तो बोलने लगी। सो देखा आपने आइरीन कैसे पप्पा बोल रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी। और जेडन यहाँ सो रहा था और मौके का फायदा उठाते हुए परवेज ने जेडन के नाखून काटने शुरू कर दिए, क्योंकि ये लोग फिर काटने नहीं देते हैं, इसलिए फिर सोते हैं तभी हम लोग काट देते हैं। और आइरीन देखिए किस इंटरेस्ट के साथ तो घूर घूर के देख रही थी कि क्या हो रहा है। सो इन लोगों को बड़ा मज़ा आता है जब मैं आइरीन के नाखून काटती हूँ, तो जेडन ऐसे ही झाँक झाँक के देखता है और खुश होता है कि अरे वाह नाखून कट रहे हैं। सो ऐसा लगता है कि इन लोगों को छोटी छोटी चीज़ें भी इतनी खुशी देती हैं, इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। सो एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी इतनी है ना इन लोगों में। और ये मुझे एक मीम मिला था तो मुझे बड़े बड़ी हंसी आई ये देखकर, इसलिए मैंने ये वीडियो यहाँ पे ऐड कर दिया था। बड़ा हंसी आई मुझे ये देखकर। और फिर आ गया था मंडे और मंडे को चली गई थी मैं ऑफिस। ऑफिस में देखिए मैंने लिया था मेथी आलू का पराठा और उसके साथ जो भी मिल रहा था मैंने सब भर लिया था अपनी प्लेट में। मुझे ये अचार, रायता, चटनी ये सब बहुत अच्छी लगती है। सो मैंने हर एक अचार, रायता, ये चटनी देखिए मेरी प्लेट पूरी भरी हुई है रायता और अचार से। सो पराठा तो था एक कोने में, बाकी चीज़ें भी थी। और फिर हो गया था काम ख़त्म, घर जाने का वक्त हो गया था। सो मैं बैठ गई थी अपनी कैब में। और ये देखिए ये मैंने पुणे के अलग अलग रोड्स का आपके लिए वीडियो बनाया है। सो धूप थी उस टाइम पे और ट्रैफिक भी कम था, सो अच्छा लग रहा था काफ़ी। और ये देखिए ये खड़की एरिया है। सो खड़की एरिया में आपको घने घने पेड़ मिलेंगे और ये मिलिट्री का एरिया है। सो यहाँ पर जो है आपको बहुत पुराने टाइप के घर वगैरह भी देखने के लिए मिलेंगे। और ग्रीनरी तो यहाँ इतनी है कि मज़ा आ जाता है यहाँ से गुजरते हुए। सो ये देखिए घने घने पेड़, और इनसे गुजरते हुए इतनी राहत महसूस होती है बिकॉज़ ठंडक होती है इनके अंडर से निकलने में। और फिर ये मैं आ गई थी औंध वाले रास्ते पे। ये रोड भी मुझे काफ़ी खाली ही मिली। काफ़ी तेज़ चल रहे थे हम लोग। और बादल देखिए, स्काई जो है इस टाइम पे बहुत अच्छा लगता है, आसमान मतलब नीला सफ़ेद। और धूप भी पड़ रही थी उन बादलों में। ये जो है ये इतना एंजॉय कर रही थी ना, मैं बाहर देखना बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा मैं शूट कर लेती हूँ। और ये देखिए हमारा इंडिया का फ्लैग भी मुझे यहाँ पर दिख गया जो इतने अच्छे से लहरा रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये देखकर। मैंने ये भी ले लिया। और फिर ये देखे ये हम थोड़ा पुणे से बाहर की तरफ आ गए थे। यहाँ पे आपको ग्रीनरी मिलेगी। ओ बाहर की तरफ बोल रही हूँ, एक्चुअली ये हमारे घर की तरफ है। हमारे घर के तरफ जो है ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और पीसफुल बहुत है। हम लोग काफ़ी आउटर में रहते हैं। इस वजह से ये देखिए ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। हम लोगों को यही चीज़ यहाँ की पसंद आती है कि आपको मतलब शहर की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से दूर यहाँ पीस मिलता है। ऑफिस जाकर घर वापस आने में इतनी खुशी होती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये देखिए कितनी ग्रीनरी है। और फिर ये देखिए ये मैं उतर गई थी अपने घर के नीचे। ये वीडियो तो आप कई बार देख चुके होंगे। और वो जा रही है मेरी कैब मुझे ड्रॉप करने के बाद। ये देखिए ये शाम के 7 बज रहे थे और हवा चल रही थी थोड़ी थोड़ी और हल्की हल्की सी, सॉरी हवा चल रही थी और अंधेरा अभी होने ही वाला था। बस सनसेट का ही ये टाइम है, लाइट्स जल गए थे। और ये देखिए ये गार्ड भैया बैठे हुए थे जो मेरे वीडियो बनाने पे बड़ा खुश हो रहे थे और मुझे हाय भी कर रहे थे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये प्यारा सा व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ जेडन एंड आइरिन नेस्ट। बाय बाय।